नमस्कार, हाजिर हैं हम लोकसभा चुनाव के इस महा आप चर्चा में कह सकते हैं। लगातार हमने आपको उन लोगों से मुलाकात कराई है जो इस लोकसभा के चुनाव में अपनी अहमियत रखते हैं। वो क्षेत्रीय नेता हैं लेकिन उनका वर्चस्व अलग है। उनका कायम, उनका जनता के बीच में रहना, उठना बैठना, ये सब लोकसभा चुनाव के उस प्रत्याशी के लिए फायदेमंद होगा जो अपने आप को अब प्रत्याशी के रूप में जनता के लिए उतार चुका है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे वो अन्य का। इस समय हमारे बीच में हमारे साथ उपस्थित है जेपी सिंह। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपको बताते हैं कि जेपी सिंह वो शख्स है जिनका महाविद्यालयों से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया, शिक्षा के क्षेत्र में अपना समर्पण और जनता के बीच में काम, और इस समय भारतीय जनता पार्टी में अपना एक अलग दमखम बनाए हुए हैं। आइए मुलाकात करते हैं और लोकसभा के इस चुनाव के विषय पर आइए चर्चा करते हैं। जी नमस्कार। होता क्या है जेपी सिंह जी, कई बार समर्थन लोग इसलिए देते हैं कि आने वाले समय में उनको विधानसभा या अन्य चुनाव में फायदा हो। आप अपने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, वो सब जाहिर है, उसका कारण क्या है? क्या मानते हैं कि राजेंद्र गावित जायज है? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी में जब हम काम कर रहे हैं तो हमको जिम्मेदारी दी गई है, एक दायित्व दिया गया है और वो दायित्व का निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है जी। तो पार्टी से हम लोग बंधे हुए हैं और पार्टी जो आदेश देती है उसका पालन हम लोग सत्प्रतिशत करते हैं। राजेंद्र गावित का चरित्र, राजेंद्र गावित का पिछला 8 महीना, राजेंद्र गावित का लोकसभा में क्षेत्रीय मुद्दे पर कोई प्रश्न ऐसा उठाना जिसको देख कर आपको लगता है कि हाँ, राजेंद्र गावित जायज है? राजेंद्र गावित जी ऐसे एक उम्मीदवार हैं लोकसभा के कि हमारी पार्टी से पहले चुनकर आए थे और पिछले 6-7 महीनों में उन्होंने जो कार्य की बात कर रहे हैं आप कि उन्होंने क्या ऐसे मुद्दे लिए, क्या ऐसे कर की, तो काम करने के लिए उनको पार्टी ने यहाँ पर लिया और पार्टी ने उनको टिकट दिया था। वो लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें, और बाई इलेक्शन के बाद में उनका जो कार्यकाल रहा बहुत अल्प समय का था, तो उस दौरान उनको काम करने की कोई ज़्यादा उनको समय नहीं मिला। लेकिन 8 महीने में ऐसा कोई काम जो आपको याद है कि लगता है कि ऐतिहासिक था? ऐतिहासिक काम तो उन्होंने किया ही है। 8 महीने में यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस का मुद्दा उन्होंने उठाया, उस पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर स्थापित करवाया वसई में। अभी जो CNG गैस के हाईवे पर CNG गैस का लाइन चालू हुई, CNG गैस के पंप चालू हुए, तो 2-3 जो पहले से मुद्दे जो अटके हुए थे, जो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे, उन कार्यों को उन्होंने ला करके जनता के बीच में दिया। मतलब आपको लगता है कि लगातार काम किए? आरोप है कि राजेंद्र गावित बहुत बार लोगों का फ़ोन नहीं उठाते, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी वो सांसद है और सांसद को आरोप करना कोई ठीक नहीं है, क्योंकि ना उठाना आरोप नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं। देख, फ़ोन उठाना, फ़ोन अभी सांसद कहीं बिजी है, कहीं बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं उनके, बड़ा क्षेत्र होता है तो बहुत सारे कार्यक्रम में वो लोग जाते हैं। अब वो हर कार्यकर्ता का, हर एक व्यक्ति का अगर फ़ोन उठाए तो संभव नहीं है। अभी जैसे हम लोगों का एक प्रचलन है कि अभी जैसे आपको ही ले लीजिए, अगर आप मोबाइल में अगर नाम फीड है तो आप उसका फ़ोन जरूर उठाएंगे या उसको रिप्लाई करेंगे। कभी कभी लोगों का फ़ोन वहाँ पे आता है, अनोन होता है तो नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते या उनकी मंशा नहीं है, उनका इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं जब कोई प्रत्यक्ष जाता है उनके पास मिलता है तो काम जरूर करते हैं। भाजपा के कई कार्यकर्ता नाराज हैं, छोटे से बड़े तक, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, नाराज़गी के कारण कुछ भी हो सकता है किसी के नाराज़गी के लिए। अब वो क्यों नाराज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पार्टी का आदेश है और पार्टी से बड़े हम नहीं हैं, मतलब पार्टी का आदेश है तो मंजूरी देंगे। और दूसरी बात है कि जब बड़े कोई फैसले लिए जाते हैं, पार्टी जब कोई बड़ा फैसला लेती है तो बड़े फैसले लेते समय पार्टी छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखती। और वहाँ पे अब आज का विजन जो है, हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के रूप में, और उनको जब प्रधानमंत्री हम के रूप में देखना चाहते हैं
तो हमको छोटी छोटी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हम माने कि आने वाले समय में इससे लोकसभा चुनाव के, मान लिया राजेंद्र गावित जी जीत जाते हैं शिवसेना से, उससे विधानसभा के चुनाव में आप जैसे लोग, आप जैसे कार्यकर्ताओं को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, मैं फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं करता जी। यहाँ पर मुझे क्या फ़ायदा होगा ये बात गौड़ है, इस बात को छोड़ के चलेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो हमको पार्टी का आदेश माने कि विकास पूरी तरह होगा। आप ये विश्वास दिलाते हैं, आप अपने समर्थकों को, अपने जनता को जो आपके साथ चलते हैं, आपके कहने पर वोट डालेंगे, उन लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में राजेंद्र गावित के माध्यम से आप विकास कराएंगे। यहाँ नरेंद्र मोदी विकास कराने नहीं आएंगे, राजेंद्र गावित के पास आप पर्चा ले जाएंगे, एप्लीकेशन ले जाएंगे, बात ले जाएंगे। क्या आपको विश्वास है कि आने वाले समय में आप उन लोगों के काम करा के दिखाएंगे? देखिए, वो हमारे अलायंस के पार्टनर हैं और नरेंद्र मोदी जी की एक प्रधानमंत्री के रूप में ऐसी छवि है और कार्य पद्धति ऐसी है जी। कि वो अपने प्रत्येक सांसद से काम करवा के लेते हैं जी। और वहाँ पे आप काम करवा पाएंगे? मैं तो काम करवाने के लिए उनके पास जाऊंगा ही, और मैं काम करवा के ठोक के काम करवाऊंगा उनसे जी। आपके समर्थक किस विश्वास से आप पर आपके बात माने? नहीं, समर्थन हमारे जो समर्थक है वो विश्वास करें, और हम लोग जो देखिए समर्थक किसी काम को लेकर नहीं। अब आज हमारा लक्ष्य है कि देश पहले राष्ट्र है, तो राष्ट्र जब देख राष्ट्र की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को देखिए आप, और हमको प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चाहिए लेके आना है। तो उनको लाने के लिए, प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए जब हम इच्छा जाहिर करते हैं, तो वहाँ पर हमको चाहिए कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो अपने आप को उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। विकास के मुद्दे छोटे नहीं, विकास के मुद्दे जाए वो सही हैं, विकास के मुद्दे होने चाहिए, विकास के मुद्दे जायज़ हैं। मैं नहीं कहता कि विकास मुद्दे छोटे ही होते हैं, लेकिन विकास के मुद्दों पर यदि राजेंद्र गावित जी काम असफल होंगे तो वहाँ पे हम लोग उनका विरोध भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, हितेन ठाकुर की सीटी कहीं ना कहीं निशान पर प्रश्न लग गया और वो विचाराधीन पे चला गया, क्या आपको कहना है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में? हर समय ये कहा गया है कि शिवसेना बैक टू द डोर से बहुजन विकास आघाड़ी का सपोर्ट करती रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं था? इन सब बातों पर क्या कहना है आपका? फिर से जरा प्रश्न में, मेरा प्रश्न ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी का सदैव शिवसेना बैक टू द डोर सपोर्ट करती रही है, क्या आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करेगी या ऐसा नहीं था? नहीं, मैं नहीं समझता कि शिवसेना ऐसा करती है, बैक टू द डोर सपोर्ट करती है। व्यक्तिगत राजनीति में देखिए, व्यक्तिगत संबंध किसी के किसी से हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब पार्टी लाइन की बात आती है तो पार्टी लाइन पर जब बात की जाती है, जब काम किया जाता है तो पार्टी लाइन से चलते हैं जी। और वहाँ पर अभी जो आपने कहा कि इनकी सिटी, जो इनका चुनाव चिन्ह जो चले गया है और अब उस पर क्या होगा, तो ये देखिए, आपको लगता है कि अब आप पूरी तरह जीत जाएंगे, चिंता नहीं है कोई किसी नहीं? देखिए अभी ये चुनाव आयोग का मामला है, चुनाव आयोग ने क्यों उनकी चुनाव चिन्ह को कैंसिल किया? नहीं, अगर वो सिटी नहीं आया निशान तो लोगों को समझाने में समस्या होगी, तमाम चीज़ें, इससे आपका फ़ायदा कितना है? तो हमारा फिर बिल्कुल फ़ायदा होगा, हमारा ही फ़ायदा होगा, और किसका होगा? बीच मैदान तो अभी सामने हम ही हैं और तो कोई है नहीं दूसरा, तो फायदा तो हमारा ही होगा। तो आप मानते हैं कि इससे हितेन ठाकुर एंड कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा उनका नुकसान जी। आखिरी सवाल, क्या लगता है विकास के मामले में, आप मन से बताइएगा, पूरा देश देख रहा है इसमें लोकसभा चुनाव की तरफ और उसका नतीजा आने में 23 मई के बाद में जो भी नतीजे आएंगे देश पूरा पूरा टिका है, आपका विश्वास कितना कहता है देश विकास के पदचिन्हों पर ठीक से चलेगा या फिर से निराशा होगी, क्या कहना है? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह राष्ट्र पूरा शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और विकास कार्य जितना नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संभव है उतना किसी के कार्यकाल में संभव नहीं है जी। फिर भी आपको एक बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इस देश का भला कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश का भला नहीं करेंगे तो शायद भविष्य में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आएगा कि इस देश का भला कर सके। तो मैं इस देश का भला नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में है और उनके ऊपर बड़ी आशाएं हैं लोगों की, विश्वास भी और विश्वास भी है। लगभग सारी बातें हुई और बातों में तो एक बात स्पष्ट है कि जेपी सिंह ने एक बात खुल कर कह दी
कि आने वाले समय में राजेंद्र गावित विजय होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो देश के जनता की आशा है और इनकी आशा है वो धरातल पर आकर टिकेगी और राष्ट्र उन्नति की ओर चलेगा। खैर आज के लिए इतना ही। लोकसभा के इस विशेष चर्चा में देखते रहिए अगला व्यक्ति कौन, लेकिन एक बात याद रखिए, वोट करने जरूर जाइएगा और वोट उसी को जिसको आपका दिल कहे। धन्यवाद।